अभी हम प्रैक्टिस सेट 10 का थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है संदीप फील्ड वाटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक। एक टैंक है उसमें 4/7 वाटर संदीप ने डाला है। आफ्टर दैट रमाकांत फील्ड 1/4 मोर ऑफ द सेम टैंक। फिर रमाकांत ने और 1/4 पानी डाला है। देन उमेश यूज 3/14 पार्ट यूज कर लिया मतलब जो पानी दोनों ने डाला था उसमें से इसने निकाल लिया है पानी। टू वॉटर द गार्डन इफ द टैंक हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 560 लीटर्स। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 560 लीटर्स मीन्स टैंक में ज्यादा से ज्यादा कितना पानी भर सकते हैं 560 लीटर्स। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वॉटर विल ही लेफ्ट इन द टैंक। तो पानी कितना बाकी बचेगा वो पूछा है। सपोज देखते हैं एक टैंक है, ये एम्प्टी है, पहले कुछ इसमें पानी नहीं डाला है। फिर संदीप फील्ड वाटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक। तो 4/7 पार्ट अभी संदीप ने भर दिया है, ये है 4/7 पार्ट पानी से संदीप ने भरा है। नेक्स्ट रमाकांत 1/4 मोर, और फिर 1/4 किसने भरा है, रमाकांत ने। तो ये हो गया रमाकांत का। उसके बाद देन उमेश यूज 3/14 पार्ट ऑफ द टैंक। उमेश ने क्या कर लिया है, ये जो पार्ट इतना भरा हुआ है उसमें से 3/14 उसने निकाल लिया है। इसमें से 3/14 पार्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस 3/14 पार्ट ये टोटल वाटर में से। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि इन्होंने पानी कितना भरा है, मतलब ये दोनों का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, तब पता चल जाएगा कि उसमें पानी कितना भरा हुआ है। सो सॉल्व करते हैं। पार्ट ऑफ वाटर फील्ड बाय पार्ट ऑफ वाटर फील्ड इन द टैंक बाय संदीप। तो संदीप का कितना पार्ट है आपका 4/7 पार्ट संदीप ने डाला हुआ है। उसके बाद है रमाकांत ने डाला हुआ है 1/4 पार्ट। अब ये दोनों पार्ट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल कितना पार्ट है वॉटर का वो देखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ वॉटर टैंक फील्ड बाय संदीप एंड रमाकांत इज इक्वल टू 4/7 प्लस 1/4। अब इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है इसलिए एलसीएम उनका मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा। सो यहाँ आएगा 28, 7/4 जा 28, 4x4 प्लस 1x7। सो ये आ गया 4/4 जा 16 प्लस 7/28। सो ये आ गया 23/28। सो इन दोनों ने जो पानी भरा है वो 23/28 अभी टैंक में है, लेकिन उमेश ने 3/14 पार्ट उसमें से ले लिया। अभी रिमेन कितना रहेगा टैंक में, 23/28 ये पहले से था और उसमें 3/14 यूज कर लिया। तो ये 14 और 28 का एलसीएम कितना होगा, 14 एंड 28 का एलसीएम। अगर ये उसके टेबल में आता हो तो जो बड़ा नंबर है वही उसका एलसीएम होता है। सो मैं 14 से डायरेक्ट करती हूँ, 14 1 14, 14 2 28, 2 1 2। सो ये हो गया 14 × 2 28, ये आपका एलसीएम है। सो हम यहाँ उतारेंगे 28, ये हो जाएगा 23 × 1 माइनस 3 × 2। सो ये हो जाएगा आपका 23 माइनस 3 × 2 = 6 अपॉन 28। हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, रिमेन कितना बचा है अभी 7/28, मतलब
संदीप ने इतना पानी डाला, रमाकांत में इतना पानी डाला है टैंक में, और उमेश ने 314 पार्ट निकाल लिया है। हमने क्या किया, ये दोनों का पहले एडिशन किया और उसमें से 314 सबट्रैक्ट कर लिया, तो हम लोगों को पता चला कि अभी कितना बाकी है। अभी 7/28 टैंक में बाकी है। अब यहाँ पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक, तो इतना लेफ्ट है। इतना लेफ्ट मतलब कितना लेफ्ट है, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है, कैपेसिटी मतलब टैंक में मैक्सिमम कितना वाटर रह सकता है। तो इन्होंने दिया है 560 लीटर्स, इतना मैक्सिमम वाटर उसमें रह सकता है। तो यहाँ पर कितना है, 7/28 है, तो इतना इसका पार्ट मतलब कितना लीटर्स ऑफ वाटर होगा वो देखते हैं। सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक कितना हो जाएगा, तो 7/28 ऑफ किसका, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक का 560 का। तो हम लोग इसको करेंगे, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 560, 28 टू जा 56 होता है, 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 टू जा 16, 1 कैरी, 2 टू जा 4 और 8 प्लस 1 5, तो 28 को कैंसिल किए 56 से तो 2 आ गया और ये वाला 0 यहाँ लिखेंगे, सो आ गया हमारा आंसर 17 टू जा 14 और 34, 340 ये लीटर्स था, तो ये भी हमारा लीटर्स में आएगा आंसर। सो हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक विल बी 340 लीटर्स। देखते हैं पेज नंबर 25 का सॉल्व प्रॉब्लम है। सुलोचना बाई ओन्स 42 एकर्स ऑफ फार्म लैंड, सुलोचना बाई के पास 42 एकर्स फार्म लैंड है। इफ शी प्लांटेड वीट ऑन 2/7 पार्ट ऑफ द लैंड, और वीट किसके ऊपर प्लांट किया है उसने, 2/7 पार्ट पर, मतलब अगर ये फार्म है तो ये फार्म कितना है उसका, 42 एकर्स का है, 42 एकर्स उसका एरिया है, और उसमें उन्होंने 2/7 पार्ट ऑफ लैंड में, 2/7 पार्ट सपोज हम समझते कि इतना, अगर 2/7 पार्ट होगा तो इतने में उन्होंने क्या लगाया है, वीट लगा दिया है। सो इफ शी प्लांटेड वीट ऑन 2/7 पार्ट ऑफ लैंड, ऑन हाउ मेनी एकर्स हैज शी प्लांटेड द वीट, आपको बताना है कि वीट कितने के ऊपर प्लांट किया है। अब पहले लिखना पड़ेगा हमको टोटल लैंड कितनी है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल लैंड, टोटल लैंड कितनी है, 42 एकर्स, और वीट प्लांटेड तो पार्ट ऑन विच वीट प्लांटेड, तो कितने पार्ट पर वीट प्लांट किया है, 2/7 पार्ट पर। अभी 2/7 पार्ट किसका है, 42 एकर्स का है, सो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ लैंड ऑन विच वीट प्लांटेड, कितने एरिया पर वीट प्लांट हो जाएगा, 2/7 एरिया पर ऑफ किसके, 42 एकर्स के, 42 एकर्स का जो 2/7 पार्ट होगा उसके ऊपर वीट प्लांट किया है। सो हम लोग लिखेंगे 2/7 ऑफ के जगह आएगा मल्टीप्लाई और आएगा 42, सो ये हो जाएगा 7/6/42, सो आंसर आएगा 12 एकर्स। सो कितने एकर्स लैंड पर उन्होंने वीट ग्रो किया है, 12 एकर्स पर। प्रैक्टिस सेट 12 का सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2/7 ऑफ हिज फील्ड ऑफ 28 एकर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन। सेम अभी जो हमने वीट का प्रॉब्लम देखा था उसी की तरह ये प्रॉब्लम है कि उनके पास 21 एकर्स लैंड है
जिसमें उन्होंने 2/7 पार्ट पर बनाना लगाया है, मतलब लैंड कितनी है 27 एकड़, ये उनकी हो गई लैंड, और इसके 2/7 पार्ट पर, मतलब इतना पार्ट पर, 2/7 पार्ट पर उन्होंने बनाना लगाया है। सो हम लोग क्या करेंगे अभी, 2/7 और 27 कितना होता है वो देखते हैं, सॉरी ये 21 एकर्स है, सो 2/7 ऑफ 21 एकर्स कितना होता है वो देखते हैं, जो भी आंसर आएगा उतना एरिया में उन्होंने बनाना के प्लांट्स लगाए हैं। सो हम लोग लिखेंगे 2/7 ऑफ 21 एकर्स, सो 2/7 ऑफ 21 एकर्स कितना हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 3 = 21, सो ऊपर आ गया 2 × 3, मतलब ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, सो 6 एकर्स के लैंड पर उन्होंने क्या लगाया है, बनाना लगाया है। ते हैं प्रैक्टिस सेट 13 का, देर आर 420 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्वच्छ भारत कैंपेन, टोटल स्टूडेंट्स है 420, दे क्लीन 42/75 पार्ट ऑफ अ टाउन, उन्होंने कुछ पार्ट 420 स्टूडेंट्स ने स्वच्छ भारत अभियान के बाद वो लोगों ने क्लीन किया है, व्हाट पार्ट ऑफ सेवाग्राम डिड ईच स्टूडेंट क्लीन इफ द वर्क वॉज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल, अभी एक लड़के ने कितना क्लीन किया वो बताना है। सो हमारे पास टोटल ये क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट्स है 420, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे 420, और दे क्लीन 42/75 पार्ट, सो पार्ट क्लीन कितना है 42/75 पार्ट वो लोगों ने क्लीन किया है, टोटल पूरा पार्ट 420 स्टूडेंट्स ने मिलकर इतना पार्ट कोई गांव का क्लीन किया है, तो आपको बताना है एक ने कितना क्लीन किया। सपोज अगर हमारे पास है 25 बिस्किट्स है, और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सपोज 5 स्टूडेंट्स में, तो हम लोग क्या करते हैं 25 बिस्किट्स को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक एक को मिल जाता है 5 बिस्किट्स, मतलब जो टोटल रहता है टोटल से हम लोग स्टूडेंट्स में हम लोग बांट रहे हैं, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हम लोग डिवाइड करते हैं, अभी एरिया इतना है तो 1 स्टूडेंट्स का निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट से डिवाइड कर देना पड़ेगा, मतलब जैसे ये 5 से हमने डिवाइड किया था, इसका मीनिंग था 25 से हमने 5 को डिवाइड कर दिया था, वैसे ही हम लोग 42/75 ये टोटल लैंड अगर क्लीन हुई है तो उसको हम लोग 420 से डिवाइड कर देंगे, सो हमारा आएगा 1 चाइल्ड, एक चाइल्ड ने कितना क्लीन किया होगा, तो 42/75 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 420। अभी जब भी डिवाइड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं, अब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, सो ये हो जाएगा 42/75 मल्टीप्लाई आएगा 1/420 420। अभी यहाँ 42 है, यहाँ 42 है, सो 42 × 42 और 42 × 42, लेकिन ये एक 0 बच गया, सो यहाँ पर लगा देंगे 0, सो ये नीचे ऊपर में आएगा 1 × 1, मतलब 1 ही होता है, 75 × 10, सो 1 × 1 1/ आएगा 75 × 10, मतलब 750, सो 1 चाइल्ड ने कितना क्लीन किया है 750 पार्ट।